हर माँ अपने बच्चे पर जान छिड़कती है, शगुन भी रौनक पर जान छिड़कती है, लेकिन ऐसी कंडीशन में जब रौनक को स्पेशल ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, वो उसे हमारे घर क्यों छोड़कर चली गई है? आखिर चाहती क्या है वो? तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। तुम्हारे लिए दूल्हा बन के आया, तुम्हारी मांग में ये सिंदूर भरने के लिए तुम्हें अपनी दुल्हनिया बना के ले जाऊंगा। You're only mine. सिर्फ मेरी मेरी दुल्हनिया। डॉक्टर साहब, रौनक को 7 दिनों में कैसे ठीक कर सकते हैं? ऐसे केस को स्किज़ोफ्रेनिया कहते हैं। सिंपल लाइंस में कहूँ तो ये एक तरह का मेंटल डिसऑर्डर स्टेट है, जिसमें पेशेंट किसी मेंटल ट्रॉमा के चलते खुद में एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर लेता है। उसे वही सच लगता है जो वो सोचता है, जो वो समझता है, जो वो इमेजिन करता है। मुझे मेरी सिंदूर की डब्बी मिल गई, अब मैं तुम्हारी मांग भरूंगा, तुम मेरी बीवी बन जाओगी। अगर पेशेंट की बात ना माने या उसकी कोई इच्छा पूरी ना करे तो वो एक्सट्रीमली वायलेंट भी हो सकता है, और ऐसे में वो खुद के साथ साथ दूसरों के लिए भी खतरा बन सकता है, यहाँ तक कि किसी की जान भी ले सकता है। रौनक, दादी, माजी, ताऊ जी, जल्दी आइए। चलाओ जाओ। रौनक, प्लीज प्लीज राजीव जी को छोड़ दो, प्लीज। क्या हुआ है? माजी माजी, रौनक रौनक वो लग जाएगी। रौनक रौनक छोड़ बेटा राजीव को, रौनक क्या कर रहे हैं? भाई रौनक, प्लीज राजीव जी को छोड़ दो प्लीज। आप लोग सुमित को बुलाओ। ऐसे हालात में पेशेंट को जितना काम रखो उतना अच्छा है, वो उसे ज्यादा गुस्सा ना करे, हो सके तो उसकी बात को काटे ना, क्योंकि जितना ही ज्यादा आप उसके साथ चीखना चिल्लाना करोगे उतना ही ज्यादा वो वायलेंट होगा, और उसके बाद उसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा। उसे ठीक करने का एक ही तरीका, उसे बहुत प्यार से रखे, उसकी बात सुने, धीरे धीरे प्यार से अपनी बात उसे समझाने की कोशिश कीजिए, यही इलाज है उसका। फोन कर बेटा। हेलो, हेलो सुमित। सुमित प्लीज तुम लोग जल्दी घर आओ, नहीं तो राजीव को रौनक चाकू मार देगा। प्लीज प्लीज जल्दी घर आओ। ओके, बस 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 हम अभी आ रहे हैं, श्लोक श्लोक हमें चलना होगा। एक्सक्यूज मी, थैंक यू, हम फिर आते हैं, लेट्स गो। डाउनलोड कीजिए Z5 ऐप अभी और देखिए आपके पसंदीदा शोज कभी भी कहीं भी फ्री में।